हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इस वीडियो पर लाइक व कमेंट जरूर करें, क्योंकि जितने लाइक व कमेंट आप करेंगे उतना अमाउंट हम किसी जरूरतमंद बच्चे के इलाज के लिए डोनेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट करें, ताकि नए वीडियोज की जानकारी आपको रेगुलरली मिलती रहे। वीडियो से संबंधित सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। आप सब हर रोज स्नान करते होंगे, लेकिन क्या आपको स्नान करने के आध्यात्मिक महत्व के बारे में पता है? कहते हैं कि स्नान करने से तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, स्नान करने के कुछ विशिष्ट नियम भी बताए जाते हैं जो बहुत कम लोगों को मालूम पता है। तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। नहाते समय सबसे पहले पानी सर पर डालना चाहिए, इसके बाद ही शरीर के अन्य हिस्से पर पानी गिराना चाहिए। अध्यात्म के अनुसार ऐसा करने से सिर और शरीर की गर्मी पैरों से बाहर आ जाती है। इतना ही नहीं, सूर्योदय से पहले नहाना भी काफी अच्छा माना जाता है। यदि नहाने से पहले पानी में थोड़ा सा काला तिल मिला लें, ऐसा करके आप अभाग्य से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही आपकी किस्मत चमक सकती है। बता दें कि निरोग तथा खूबसूरत शरीर के लिए प्रतिदिन नहाना जरूरी है। कहते हैं कि नहाने से अच्छी स्किन के साथ साथ लक्ष्मी की कृपा, तीव्र बुद्धि भी मिलती है। सुबह के समय तारों की छांव में नहाने से व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा होती है और बुरी शक्तियां एवं परेशानियां दूर हो जाती हैं। ब्रह्म स्नान, यह सुबह 4-5 बजे के बीच किया जाने वाला स्नान है। ऐसा करने से घर में खुशियां आती हैं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। देव स्नान, सूर्योदय के बाद किया जाने वाला स्नान देव स्नान कहा जाता है। जीवन की सभी परेशानियों को दूर करने वाला स्नान माना जाता है। दानव स्नान, जो लोग खाना खाने के बाद स्नान करते हैं उन्हें दानव स्नान कहते हैं। ऐसा करने वालों को हमेशा कोई न कोई परेशानियां रहती हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।